मंगलवार को जिला अस्पताल सहित जनपद के कुल 338 केंद्रों पर 29,869 लोगों को कोविड का टीका लगाया गया, जिसमें फर्स्ट डोज लेने वालों में 10,776 लोग तथा सेकेंड डोज लेने वालों में 19,093 लोग शामिल रहे। जिसके संबंध में सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने बताया कि जनपद में 75% वैक्सीनेशन किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रतिदिन प्रथम डोज 15,000 तथा सेकेंड डोज लगभग 25,000 लगाया जा रहा है। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि ओमिक्रॉन का प्रकोप जारी है, इस बीमारी को कतई हल्के में ना लें और सभी लोग सतर्क रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क तथा सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और टीकाकरण अवश्य कराएं और घर से अनावश्यक रूप से बाहर ना निकले तथा निकले भी तो मास्क लगाकर ही निकले, मास्क ही सुरक्षा कवच है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने कहा, लगवाइए आप सभी को जी हम लगवाइए है ना, ये देखो इसे हाँ हम तो रोज देखते हैं, 2 दिन से देख रहे हैं। डेट ऑफ बर्थ क्या? आज हमारे यहाँ 380 जगह से अधिक स्थानों पर टीकाकरण का कार्य चल रहा है। आप सभी लोगों के अपरिमित सहयोग से हम लोग 75% के ऊपर टीकाकरण पहली खुराक का कर चुके हैं और प्रतिदिन हम 10,000 से 15,000 पहली खुराक लगा रहे हैं और 20 से लेकर के 25,000 दूसरी खुराक लगा रहे हैं। यह सब केवल आप सबके द्वारा प्रतिदिन जो जन जागरूकता अभियान चलाया गया है, जो टीकाकरण के लिए लोगों को संवेदीकृत कर रहे हैं, लोगों को जागृत कर रहे हैं, उसी का परिणाम है। और मुझे यकीन है कि आप लोग जिस प्रकार से टीकाकरण का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उससे शीघ्र ही हम लोग जो है 100% टीकाकरण का लक्ष्य हासिल कर लेंगे। सर, जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से मैं ये अपील करना चाहूँगा कि ओमिक्रॉन का प्रकोप जारी है, इसको कतई हल्के से मत लीजिएगा और सभी लोग सजग रहें, सतर्क रहें, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजेशन के नियम का पालन करें और साथ ही साथ टीका अवश्य लगाएं, अपने साथियों को लगाने के लिए प्रेरित करें, अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलें और जब भी अगर बाहर निकलते हैं तो मास्क का प्रयोग अवश्य कीजिए। मास्क आपका सुरक्षा कवच है, इस पर जो लोग अडिग रहते हैं वो कोरोना से बचे रहते हैं।